उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए कठिन परिश्रम की सार्थक शुरुआत आज से हम लोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 44 नंबर का पोर्शन मैं स्वयं आप सभी लोगों को तैयार कराऊंगा, उसी क्रम में मैं आज से आप सभी लोगों की कक्षाओं को प्रारंभ कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवेश एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहीं से मैं आपकी कक्षाओं का प्रारंभ कर रहा हूं। आज की कक्षा में क्या है, गांव या ग्राम क्या है, ग्रामीण परिवेश क्या है, ग्रामीण परिवेश की आवश्यकताएं क्या है, राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद क्या है, इनका संगठन क्या है, इनके कार्य क्या है, और आज मैं जितना आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा उससे जितने भी प्रश्नों उत्तर बनेंगे मैं तुरंत आज ही आपको हल कराऊंगा क्लास के लास्ट में, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना हमें समझ में आया। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप एक व्हाइट पेपर लेकर सारे ग्राफ्स को ड्रॉ करते चलिए और मेरी बातों को सुनते चलिए तो आज की इस पढ़ाई से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप निश्चित रूप से उन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। और यही क्रम अगर आप प्रत्येक क्लास के साथ जारी रखते हैं तो जो आपके 42 से 44 प्रश्न हैं इस पोर्शन के, उत्तर प्रदेश विशेष के, करंट अफेयर्स के, वो सभी 44 प्रश्न हम लोग इसी प्रक्रिया से हल कर लेंगे। आपको केवल एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी उस व्हाइट पेपर को, इसके अलावा आपको फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए कक्षा शुरू करते हैं। इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान कर दूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संस्थान में लेखपाल की परीक्षा के लिए 90 दिन का एक बढ़िया कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रत्येक दिन 5 क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, डाउट क्लासेज हैं, 6 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज है, सारा कोर्स खत्म होने के बाद 40 आपके प्रैक्टिस सेट हैं और परीक्षा के निकट पूरा आपका मैराथन रिवीजन है, पूरा इसी कोर्स में शामिल है। कैसे आप हमारे बैच में प्रवेश ले सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारे बैच का, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एंट्री लेखपाल लिखकर भेजना है। जैसे आप एंट्री लेखपाल लिखकर भेजेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर फोन करके भी आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया अगले 3 दिन खुली हुई है और अगले 3 दिनों में आप इन प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए आज की क्लास का हम लोग प्रारंभ करते हैं। देश गांव में भी बसता है और देश नगरों में भी बसता है। अगर हम निवास स्थान के रूप में भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो नगर और गांव, ये दो संज्ञाएं हमारे जहन में आती हैं। हम दोनों की परस्पर तुलना कर लें तो हम गांव को या ग्राम को बहुत स्पष्ट कर सकते हैं। नगर की तुलना में एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में, छोटे भौगोलिक क्षेत्र क्यों कहा, क्योंकि नगर से तुलना की, नगर की तुलना में एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के इस निवास स्थान को ग्राम कहते हैं। यह जो जनसंख्या होती है इसके कुछ गुण होते हैं। यह जनसंख्या परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होती है और यहां पर जो बहुसंख्यक जनसंख्या होती है वो प्राथमिक कार्यों में लीन होती है। तो गांव में जनसंख्या जो प्राथमिक कार्य करती है, हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि यह प्राथमिक कार्य है क्या। ग्रामीण जो समाज होता है वो कृषिक समाज होता है, अर्थात कृषि कार्य जितने भी होते हैं उनको हम प्राथमिक कार्य कहते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, कीट पालन करना, बागवानी करना, या भूमि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी कार्य आपके होते हैं वो प्राथमिक कार्यों में आते हैं, जिनका पूरा जीवन कृषि कार्यों के ही इर्द गिर्द होता है। ऐसी जनसंख्या जहां पर निवास करती है उसको हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। क्या, क्योंकि यहां पर जो आपके जीविकोपार्जन के साधन है वो पूर्ण रूप से कृषि पर ही आधारित होते हैं। अब इस ग्राम के प्राचीन विवरणों के बारे में यदि हम बात करें तो इस ग्राम का सबसे पहला उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। यहां पर मैं आपको प्रश्न भी हल कराता चल रहा हूं। सबसे पहला उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है, जहां पर ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार आया है। यदि हम गांव की इकाइयों की बात करें या ऋग्वेद में रहने की इकाइयों की बात करें तो वहां पर गांव से जुड़ी हुई 3 सोपानिक इकाइयों के विवरण मिलते हैं, ग्राम, विश और जन। क्योंकि हम गांव पढ़ रहे हैं, आपसे पूछा भी गया है, जब वीडियो का पेपर अधीनस्थ ने लिया था तो आपसे पूछ लिया गया था कि गांव के सबसे प्राचीनतम विवरण कहां पे मिलते हैं वैदिक साहित्य में, तो आपके कहां पे मिलते हैं, ऋग्वेद में मिलते हैं। 13 बार गांव का संज्ञा यहां पर, ग्राम का संज्ञा यहां पर आया है। ग्राम, ग्राम के बाद विश और विश के बाद जन। यहां पर एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्य और राष्ट्र,
यह दोनों ही विवरण, यह दोनों ही संज्ञाएं हमें वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होती। वर्तमान में यदि हम भारत में इन गांवों की स्थितियों को देखें तो 6 लाख से अधिक गांव हैं और जनसंख्या को देखें तो लगभग 70% जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अर्थात आधे से अधिक जनसंख्या के रहने का निवास स्थान क्या है, गांव है। और उस गांव में वह बहुसंख्यक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लीन है, जो कार्य आपके पूरी तरह किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। यहां पर मैं दो चीजें और आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे हम पढ़ते हैं गांव की विशेषताओं के बारे में, यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ चीजें यहीं से स्पष्ट होती चले। जैसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज आपका मेलनांग है, सारे नहर बहुत साफ सुथरे रहते हैं, नगर बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं जब कोई गांव एक अलग से विकास करता है तो हम उसको अलग से पढ़ते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने संज्ञा ली गांव के बारे में कि एशिया का जो क्लीनेस्ट विलेज है, सबसे साफ सुथरा गांव है, वो कौन सा है, मेलनांग है। और ये कहां पर है बताइए, मेघालय में। और हमने पढ़ा कि पहला भारत का डिजिटल और स्मार्ट गांव कौन सा है, तो हम लोगों ने पढ़ा अकोदरा है, जो कहां पे है, गुजरात में है। हम क्यों ऐसी संज्ञाएं पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समानता नहीं है, सभी गांव भी एक जैसे नहीं है, प्रत्येक गांव की अलग अलग विशेषता है। तो गांव में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको हम अलग से पढ़ते हैं और वो प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने दो विवरण लिए कि मेलनांग क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द एशिया है और अकोदरा स्मार्ट और डिजिटल गांव है भारत का पहला, जहां पर सभी लोग डिजिटल पेमेंट का यूज करते हैं, सभी के बैंक खाते हैं। तो ये संज्ञा है हमारे यहाँ गांव में उच्च कार्य जो होते हैं या जो अच्छे गांव होते हैं परीक्षा के प्रश्नों के रूप में होते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये सभी गांव जैसे नहीं है, बल्कि गांव से कुछ क्या है, अलग है और समानता यहां पर नहीं है। अब हम इस गांव में रहने वाले समाज की बात करें तो निश्चित रूप से इस गांव में जो निवास करेगा वो समाज निवास करेगा कौन सा, ग्रामीण समाज। गांव के जो लोग होते हैं वो परिवारों के रूप में रहते हैं, छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। जब दो परिवार इकट्ठे होते हैं तो परिवार और परिवार से क्या बनता है, समाज बनता है। और यह समाज कैसा होता है, ग्रामीण समाज होता है। ये जो परिवार होते हैं अलग अलग होते हैं, एकल भी होते हैं और संयुक्त भी होते हैं। अगर हम गांव में देखें तो संयुक्त परिवार ज्यादा आपको मिलेंगे, अगर हम शहरों में देखें तो न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार हमको ज्यादा मिलेंगे। परिवार के इस स्वरूप की चर्चा मैं आगे आपको करूंगा, क्योंकि आपको परिवार के स्वरूप को भी पढ़ना है। यह भी हम यहां पर देखते हैं कि जब इकाइयों के रूप में परिवार परिवार से इकट्ठे होते हैं तो यह एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जिनको हम कहते हैं हल्का, टोला या तो मोहल्ला। आपने देखा होगा गांव में हम कहते हैं पंडित का टोला, ठाकुर साहब का टोला या हल्का, है ना। तो हल्का, मोहल्ला या टोला बटे होते हैं वर्ग के हिसाब से, जाति के हिसाब से। और यह जब परिवार इकट्ठे होते हैं तो यहां पे जो समाज बनता है वो कौन सा समाज होता है, ग्रामीण समाज, या हम इस गांव में रहने वाले समाज को सीधे सीधे कृषक समाज भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जीविका का जो मुख्य साधन है वो क्या है बताइए, कृषि कार्य है। इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं इस ग्रामीण समाज की, आकारीय विशेषताएं, आकार के आधार पर, क्योंकि आप देखते हैं किसी गांव की जनसंख्या 400 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 भी हो सकती है, और आकार के आधार पर किसी गांव की जनसंख्या 5000 और 8000 भी हो सकती है। तो इनकी अपनी अपनी आकारीय विशेषता है, इनकी अपनी अपनी आर्थिक विशेषता है। आर्थिक गतिविधियों का बहुत ज्यादा स्कोप गांव में नहीं होता, बल्कि वही सभी कार्य किए जाते हैं जो कृषि कार्यों से ही जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी आर्थिक विशेषताएं हैं। कोई गांव किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, कोई गांव किसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, और ग्रामीण स्तर पर ही कृषि से जुड़े हुए कार्यों को संपादित करते हैं। तो इनकी अपनी आर्थिक विशेषता है, इनकी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं भी हैं, जैसे इनके मनोरंजन के साधन अलग होते हैं, चौपालें होती हैं, खेल होते हैं, पंचायतें होती हैं, अलग अलग तरीके से मनोरंजन करते हैं, उत्सव अलग अलग होते हैं। देखिए, ग्रामीण समाज संस्कारों से बना होता है, रीति रिवाजों से बना होता है, परंपराओं से बना होता है और प्रकृति से बना होता है। इन चीजों से जब ये बना होता है तो इनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उनमें यह चारों तत्व परिलक्षित भी होते हैं, आपको दिखाई भी देते हैं। क्लियर। इनके रहन सहन अलग है,
खाना पीना अलग है और इनके कार्य भी अलग है, जिनकी चर्चा हम लोग आगे करने चल रहे हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे मैंने आपको बताया कि गांव किसे कहते हैं और इस गांव में जो समाज रहता है वह समाज आपका कैसा होता है, वह समाज कौन सा होता है, उसको भी मैंने आपको यहां पर क्लियर किया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी विशेषताएं अलग होती हैं, तो भारत में विकास के दृष्टिकोण से गांव का वर्गीकरण करना भी जरूरी था। यह वर्गीकरण जे हेल्डर साहब ने किया और भारत सरकार ने जे हेल्डर साहब के वर्गीकरण को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया है और इन्होंने बताया कि ये जो गांव है ये दो प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं इस पूरे सिस्टम को, संगठन को, परिवार और परिवार मिले तो क्या बना, गांव बना, मतलब यहां पे एक समाज बना। समाज जहां पर रहता है उस निवास स्थान को क्या कहा, गांव बना। बहुत सारे गांव जब एक दूसरे से इकट्ठे हुए तो ब्लॉक बना, फिर क्या बना, तहसील बना। ब्लॉक और तहसील जब इकट्ठे हुए तो क्या बना, आपका जिला बना। जिला से फिर आपके मंडल बने, मंडल से राज्य बना और राज्य से क्या बना, देश बना। तो एक इकाई के रूप में एक दूसरे से सब संगठित होते गए और इस अखंड भारत या अखंड देश का हमारा निर्माण हुआ। अगर हम इस गांव के बारे में देखें तो जे हेल्डर साहब का वर्गीकरण भारत सरकार की योजनाओं में या भारत सरकार के विवरणों में सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है। जे हेल्डर साहब ने बताया कि जो भारतीय गांव है वो दो प्रकार के हैं, एक को उन्होंने कहा संक्रमणशील या अर्ध स्थायी कृषक ग्राम और दूसरे को उन्होंने कहा स्थायी कृषक ग्राम। देखिए, संक्रमणशील या अर्ध स्थायी कृषक ग्राम आपके क्या होते हैं, यहां पर जो भूमि होती है कृषि योग्य भूमि उसमें जनसंख्या के भार को बहन करने की जो क्षमता है वो ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब है वो उत्पादन इतना ज्यादा नहीं होता कि गांव में निवासित जितने भी व्यक्ति हैं वो उन सबका भार बहन कर सके। ऐसे गांव के जो व्यक्ति होते हैं वो लगातार एक दूसरे गांव में जाके अपने जीवन यापन की व्यवस्था करते हैं या अपने जीवन यापन के लिए जो उपयोगी सामग्री है उसको खोजते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जैसे जनजाति समूह, कोई विशेष जनजाति किसी चीज से संबंधित है वो दूसरे गांव में गई, उसने अपना कार्य किया, वहां से अपना जो है खर्चा इकट्ठा किया और फिर अपने गांव में आ गए। संक्रमणशील होते हैं, यायावरी जीवन व्यतीत करते हैं, घूमते रहते हैं, तो इनको क्या कहा गया, अर्थस्थायी ग्राम कहा गया। जैसे आपने देखा होगा जो लोग गांव से संबंधित हैं वो सभी लोग जानते होंगे कि दूसरे गांव से एक विशिष्ट कला से संबंधित व्यक्ति या जो विशिष्ट कार्य जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप बुंदेलखंड में रहते हैं तो लोगड़िया एक जनजाति होती है वो आती है और कृषि कार्य से संबंधित आपके जितने भी औजार हैं या आपकी जितनी भी सामग्री है उनको बनाती है, उन औजारों को धार धार देती है और कृषि के योग फिर से बनाती है, अपने जो है सामान को इकट्ठा करती है, अपने मेहनताने को इकट्ठा करते हैं और फिर अपने गांव में चले जाते हैं। तो वो भी कृषि ही कार्य में सहायक है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि ही कार्य कर रहे हैं लेकिन वो यायावरी का घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लगे वो भी कृषि में ही है। तो इस तरीके के जो गांव है उसको कहा गया अर्ध स्थायी ग्राम या कृषक ग्राम। स्थायी कृषक ग्राम यह होता है कि जहां की जो भूमि होती है वो पूर्ण रूप से उपजाऊ होती है, यहां की जनसंख्या भी यहां से बेहतर होती है और यहां पर कबीले के रूप में लोग दूसरे गांव में जाके जीविकोपार्जन नहीं करते बल्कि भूमि में इतनी क्षमता होती है कि वो वर्ष भर में आपको दो फसलें प्रदान करती है। इनके अपने पशु होते हैं, चारवाहे होते हैं, गांव की एक व्यवस्था होती है और ऐसे गांव को हम कहते हैं स्थायी कृषक ग्राम। तो जे हेल्डर साहब का ये वर्गीकरण कई बार आपसे पूछा गया है, ये सर्वमान्य वर्गीकरण है। अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए संस्थाएं और संगठन की आवश्यकता है। अलग अलग स्तर पर संस्थाएं और संगठन काम करते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। देखिए, हम कैसे इसकी तुलना करें तब हम इसको समझ पाएंगे, तो एक स्पष्ट तुलना के रूप से मैं आपको समझाता हूं। यदि हम पूरे भारत में देखें तो जितने भी नगर हैं लगभग 32% हमारी जो जनसंख्या है वो नगर में निवास करती है और हम इसको कहते हैं ये विकसित अवस्था में है। गांव की तुलना में जो 68% जनसंख्या है ये कम विकसित अवस्था में है। अब ये विकास का और कम विकास का जो तुलना है वो किस बारे में है इसको समझ लीजिए। जैसे यहां पर ज्ञान विज्ञान का विकास ज्यादा है, यहां पर वित्तीय समावेशन बहुत अच्छा है,
नगर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और बहुत हद तक डिजिटल हो गए हैं। इनकी जीवन शैली उच्च है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर संचार साधन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर कई प्रकार के उद्योग हैं जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन के एक से अधिक साधन देते हैं, यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है ना। जो यहाँ पर शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण है और विविधतापूर्ण है, परिवहन यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ का व्यक्ति जागरूक है। अब जैसे आपने देखा, मैं तुलना करूं, यहाँ व्यक्ति जागरूक है और यहाँ पर ज्ञान विज्ञान अच्छा है, तो इनकी तुलना में अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण समाज में परंपराएं ज्यादा हैं, रूढ़िवादिता ज्यादा है, ये संस्कारों से ज्यादा बंधे हुए हैं, ये रीति रिवाजों से ज्यादा बंधे हुए हैं और ये अंधविश्वास से ज्यादा बंधे हुए हैं। अब जितनी चीजें यहां पर उपस्थित है उनसे जब हम तुलना करते हैं तो 68% जनसंख्या हमारी यहां निवास करती है, लेकिन रोजगार की संभावना यहां पर कम है, छीण है, क्योंकि यहां का प्रमुख कार्य कृषि है, उद्योगों का यहां पर लघु उद्योगों का भी इतना विकास नहीं है, संचार साधन यहां पर इतने संपन्न नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, लगातार आप लोग देख रहे हैं, जीवन शैली उच्च नहीं है, जीवन शैली को उच्च बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उच्च जीवन शैली के तौर पर इनको समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सकता है, ये भी प्रयास किया जा रहा है। डिजिटलीकरण हम कर रहे हैं क्योंकि नए नए ऐप जोड़ रहे हैं, नए नए ऐप गांव वालों के लिए बना रहे हैं, नए नए पोर्टल बना रहे हैं, हम किसानों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां से युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्वयं प्रभा हो गया, EPG पाठशाला हो गया, प्रभा हो गया, किसान पथ हो गया, बहुत हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का व्यक्ति सब कुछ है, सब कुछ जान रहा है, डिजिटल है पूरी तरह से, यहाँ के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन अभी इतना अच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 34 करोड़ से ज्यादा ही खाते अभी खुल पाए हैं, जबकि 121 करोड़ पूरी जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 34 करोड़ से कहीं ज्यादा है। ज्ञान विज्ञान के बारे में हमने पहले, शिक्षा के सीमित साधन संसाधन है, शिक्षा का हम लगातार विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम हो या उसके अलावा अब जो शिक्षा विभाग में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कॉलेज खोलने की जो बात हो रही है, स्कूल खोलने की बात हो रही है, उसके अलावा भी हम लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी विकास की गति इतनी नहीं है कि हम इन दोनों ही भौगोलिक इकाइयों के बीच की विषमता को दूर कर पाए। अब आप एक बात बताइए, यहां पर 32% जनसंख्या है और यहां पर 68% जनसंख्या है, यहां की जो विशेषताएं हैं वो एक अच्छी जीवन शैली में काउंट हो रही हैं, लेकिन इस 68% जनसंख्या के पास ये विशेषताएं नहीं है, तो इसी विषमता को दूर करने के लिए हम कहते हैं कि हमें जरूरत है कि हमें इस गांव में रहने वाली जनसंख्या को क्या करना है, विकास करना है, और हम कहते हैं कि हमें ग्रामीण विकास करना है, क्योंकि ग्रामीण विकास को हम तभी देख सकते हैं जब हम इसके विकास की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नगरों से कंपेयर करें, नगरों से तुलना करें, तो हम पाएंगे कि जो हमारी इस 32% जनसंख्या के पास है वही अगर हमारी इस 68% जनसंख्या के पास हो जाए तो हम पूरी तरह से समावेशन कर लें और यह विषमता हमारी दूर हो जाए। यहां पर आपको दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है जो आगे भी आपके वेश को क्लियर करेंगे। एक तो आपको समझना जरूरी है समावेशन को, समावेश को, और दूसरा आपको समझना जरूरी है संघात्मक ढांचे को। मैं बहुत आसानी से आपको इन दोनों शब्दों को समझाता हूं। यहां पर अगर हम लोग देखें कि समावेशन या समावेशी रूप से विकसित हम किसे कहते हैं, अभी तो देखिए बहुत सारी विषमता यहां पे आपको दिख रही है। जब समावेशन शब्द का यूज होता है तो समावेशन का सीधा उद्देश्य होता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। जैसे मैंने कहा वित्तीय समावेशन, या मैंने आपसे कहा बैंकिंग समावेशन, तो इसका मतलब यह है कि बैंकिंग से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ना। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो खाते खुल रहे हैं वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन है, अर्थात हम सभी लोगों को सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में तब पहुंचा पाएंगे जब हम बैंकिंग समावेशन को पूरा कर लेंगे, अर्थात समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक हमें बैंकिंग को पहुंचाना है, उस व्यक्ति को हमें बैंक से जोड़ना है। जैसे मैं कहूं शिक्षा समावेशन, शिक्षा समावेशन कब होगा, जब समाज का अंतिम व्यक्ति शिक्षा से जुड़ जाए या हम अपनी शिक्षा की पहुंच को समाज के अंतिम व्यक्ति तक कर दें। बहुत सारे समावेशन की जरूरत है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम समावेशी रूप से विकसित नहीं है। मतलब अगर हम समावेशी रूप से विकसित हो जाएं
तो इन दोनों के बीच की जो ये विषमता है वो समाप्त हो जाए, जो सुविधाएं यहां है वही सुविधाएं यहां पर भी रहे। तो हम समावेशी रूप से विकसित नहीं है बल्कि हम समावेशन कर रहे हैं, हम समावेशी रूप से विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, हम विकसित नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम समावेशी रूप से विकास कर रहे हैं। तो समावेशी रूप से इस ग्रामीण विकास को करने के लिए आपको योजनाओं की जरूरत है, साधन की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है और संस्थाओं की जरूरत है। जो संस्थाएं आपकी प्रशासनिक भी होंगी और संवैधानिक भी होंगी, यहीं से हमारा राजस्व परिषद भी जुड़ जाएगा और यहीं से हमारे पंचायती राज भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक तुलना हम लोगों ने यहां पर देखी। इस तुलना के बाद जो विषमता आपको दिखी है, अब इस विषमता को दूर कैसे किया जाए ग्रामीण विकास के हिसाब से, तो देखिए संस्थाएं हैं, केंद्र है, राज्य है, केंद्र सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय है, सबको अधिकार है कार्य करने के और सब अपने का अपने कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संघात्मक ढांचे को समझना आपके लिए जरूरी होगा। संघात्मक ढांचे का सीधा सीधा उद्देश्य है कि उद्देश्य का निर्माण केंद्र करेगा और उसका क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य करेगा। जैसे मनरेगा किसकी योजना है, केंद्र की योजना है, क्रियान्वयन आपके यहां कौन कराता है, राज्य कराता है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना किसकी योजना है, केंद्र की योजना है, आपके यहां क्रियान्वयन कौन कराता है, राज्य कराता है। जनधन योजना किसकी योजना है, केंद्र की योजना है, आपके यहां क्रियान्वयन कौन करा रहा है, राज्य करा रहा है। मनरेगा किसकी योजना है, केंद्र की योजना है, आपके यहां क्रियान्वयन कौन करा रहा है, राज्य करा रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में यदि हम बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना केंद्र की योजना है, क्रियान्वयन कौन करा रहा है, राज्य करा रहा है। इंदिरा आवास केंद्र की योजना है, क्रियान्वयन कौन करा रहा है, राज्य करा रहा है। तो देखिए जितनी भी योजनाएं हैं तो उद्देश्य का निर्माण कौन करेगा, केंद्र करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य करेगा। ग्रामीण विकास के लिए केंद्र लगातार काम कर रहा है। तो संघात्मक ढांचे की यही विशेषता है कि उद्देश्य का निर्माण केंद्र करेगा और उसका क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य करेगा। केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय अलग अलग है, दोनों को ही अपना विकास करने का अधिकार है। केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर रहा है और राज्य भी अपने ग्रामीण क्षेत्र का, अपनी भौगोलिक सीमाओं का विकास कर रहा है, भौगोलिक सीमा में रहने वाले व्यक्तियों का विकास कर रहा है, उनके साधनों संसाधनों का विकास कर रहा है। और बहुत सारी योजनाएं इस तरफ आप देख रहे हैं, कई भूमि सुधार कार्यक्रम भी आए हैं, है ना। तो यहां पर परिवार से लेके, समाज से लेके, तहसील से लेके, ब्लॉक से लेके, राज्य से लेके जो देश तक की यात्रा है, इस यात्रा में जो अधिकतम जनसंख्या है, बहुसंख्यक जनसंख्या है, जो कृषि कार्यों में लीन है, वहां पर उद्योग के साधन बढ़ाने, उनके रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए या उनको अपने अधिकार पूरी तरह से मिल सके, वो जागरूक हो सके, वो परिवहन से जुड़ सके, वो संचार से जुड़ सके और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, जैसे नगर जुड़े हैं, इसके लिए प्रशासनिक संस्थाओं की भी जरूरत होगी, स्थानीय स्वशासन की भी संस्थाओं की भी जरूरत होगी, उनके अधिकारों की जरूरत होगी और सामुदायिक विकास की भी जरूरत होगी। लगातार 1950 से भारत इस पर काम भी कर रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम लोग देखें तो वो कार्य की प्रगति ये नहीं हो पाई है कि इस विषमता को दूर किया जा सका हो पूरी तरह, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इनको दूर करेंगे। तो यहां पर आपको इन योजनाओं के बारे में भी पढ़ना है। जब अगले चैप्टर में आएंगे तो हम लोग इन योजनाओं के बारे में देखेंगे और देखेंगे किस योजना का मॉड्यूल कैसे बनाया गया। अब चूंकि संस्थाओं की बात आती है, प्रशासनिक संस्थाओं की बात आती है, तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं उसी संस्था से जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है या जिसकी आप लोग तैयारी करने के लिए चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग की यदि हम राजस्व शाखा को देखें तो इस राजस्व शाखा के अंतर्गत आपके 5 विभाग आते हैं। कितने विभाग याद करते चलिए, 5 विभाग आते हैं। कौन कौन से? राजस्व परिषद, जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा और आपको पढ़ना है, तुरंत इसके बाद हम लोग वही पढ़ने चल रहे हैं। चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, भूमि अध्यापति निदेशक और प्रमुख जिला गजेटियर, यह 5 विभाग जो होते हैं वो आपके राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से राजस्व परिषद आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले हम राजस्व परिषद को देखते हैं। राजस्व परिषद की जो स्थापना है वो 1831 में हुई और इसका मुख्यालय अभी के हिसाब से प्रयागराज और प्राचीन हिसाब से कहां पे है बताइए, इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। देखिए 1831 में जो स्थापना हुई, आप इस संस्था के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यह राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है ना। इसका मतलब है जितने भी राजस्व न्यायालय आपके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, राजस्व परिषद उनका शीर्ष न्यायालय है और यह सभी प्रकार के भू राजस्व वादों का निस्तारण करता है। दूसरी बात, सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है राजस्व परिषद के, और इसके निर्णय उच्च न्यायालय की भांति सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। जैसे मैंने कहा कि राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है, तो जिस प्रकार उच्च न्यायालय के जो आपके निर्णय होते हैं वो आपके बाध्यकारी होते हैं, उसी प्रकार सभी राजस्व न्यायालय जितने हैं उन पर जो राजस्व परिषद के आपके निर्णय है वो उच्च न्यायालय की भांति ही क्या है, बताइए, बाध्यकारी है। स्वतंत्रता के बाद, पहले तो ये विभाग एक ही था, स्वतंत्रता के बाद 1948 में इस विभाग के कार्यों के हिसाब से दो अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया। इसका प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया गया और न्यायिक कार्य अलग कर दिया गया। तो इस समय राजस्व परिषद दो अलग अलग अंगों के रूप में काम करती है। जो प्रशासनिक कार्य है उनका गवर्न होता है आपका लखनऊ से, और जो न्यायिक कार्य है उनका जो गवर्न का होता है, बताइए, प्रयागराज से होता है। कौन कौन से कार्य प्रशासनिक कार्यों में आते हैं, जैसे भू अभिलेखों का रखरखाव है, भूमि की देखरेख है, भूमि की पैमाइश है, भूमि के नए विवरण तैयार करना, और जितने भी भूमि और कृषि से संबंधित आपके कार्य है वो आपके कहां पर है, प्रशासनिक कार्यों में आते हैं। न्यायिक कार्य क्या है, कोई भूमि से संबंधित वाद है, अपील है, निगरानी है और पुनरावलोकन है यदि है किसी कानून का, तो वो आपका क्या आता है, न्यायिक कार्य में आता है, जिसका कार्य क्षेत्र कहां पर, प्रयागराज है। और सभी प्रकार के राजस्व वादों का निस्तारण भी आपका कहां पर होता है, यहीं पर होता है। तो यह संस्था के बारे में कुछ जानकारियां थी, यह संस्था की स्थापना थी। अब इस संस्था के पूरे स्वरूप को एक बार देखते हैं। देखिए, अगर हम इस विभाग के संगठन को देखें तो जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी जिसको आप एडीएम कहते हैं, उप जिलाधिकारी एसडीएम, इसके बाद तहसीलदार, इसके बाद नायब तहसीलदार, इसके बाद कानूनगो, और फिर आपका लेखपाल, और सबसे बाद में अमीन, है ना। अगर हम इनके प्रमुख कार्य को देखें, अब देखिए कार्यों के हिसाब से आप यहां हैं, है ना, इस परीक्षा की तैयारी आप करने चल रहे हैं, इस परीक्षा की तैयारी, इस पद के लिए आप तैयारी करने चल रहे हैं। तो देखिए कार्य जो है, भू लेखों का रखरखाव, जो भू आपके अभिलेख है उनका संरक्षण करना, उनका रखरखाव करना। अगर आप नगर में हैं, सदर में हैं, तो सदर में उनका रखरखाव करना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अपने हलके में हैं, तो उस हलके में उसका रखरखाव करना, ठीक है। कृषि भूमि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, कृषि भूमि से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना, क्योंकि जब आप आंकड़े एकत्रित करेंगे, जब आप उसका डाटा बनाएंगे, जब आप उसका संरक्षण करेंगे, तभी गवर्नमेंट उनको प्रकाशित कर पाएगी। आंकड़ों की गणना एवं प्रकाशन, कृषि एवं पशु गणना, कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, सिंचाई के साधन हैं, जो पशु की गणना है, वो सब भी आपके ही दायरे में आता है। बाढ़, सूखा, कमी, आपदा के समय सरकार के अंग के रूप में कार्य करना, जैसे जब महामारी फैली हो, बाढ़ आई हो, आपदा आई हो, तो नुकसान कितना हुआ उसकी कैलकुलेशन करना, फसल का नुकसान कितना हुआ उसकी कैलकुलेशन करना, और सरकार के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करते हुए सरकार से जुड़े रहना। विभिन्न सरकारी योजनाएं एवं सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, भूमि संरक्षण, भूमिहीन को भूमि पहुंचाना। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान पट्टा व्यवस्था चलती है, सारी व्यवस्था लेखपाल के माध्यम से ही संचालित होती है। तो यह एक संगठन के रूप में यदि हम लोग देखें तो डीएम से लेके और यहां पर अमीन तक इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, इसी सोपानिक संगठन का हिस्सा है, और ये प्रमुख कार्य के रूप में आपके यहां पर है। तो देखिए ये राजस्व परिषद में बहुत ज्यादा जानकारी यहां पे हम लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस यही देखना है कि ये जो संस्था है, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना, इसके जो क्षेत्र है वो कहां कहां पर है, और इसके प्रमुख कार्य कौन है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे कर होती है, ये सभी हम लोग देख लिए यहां पर। और कुछ और इसके अतिरिक्त जिसके कार्य है उनको भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया, और यहां पर राजस्व परिषद से संबंधित आपकी चीजें कंप्लीट हो गई। मैं आपको इसी प्रकार से ये चीजें बता रहा था कि देखिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपको कहीं मार्केट से कोई नोट्स नहीं देता। जैसे मैंने आपको इतना पढ़ाया, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गया, अभी यहां से जितने प्रश्नोत्तर बने हैं मैं वो प्रश्नोत्तर भी आपको हल कराता हूं, और
नोट्स के रूप में हम इसी प्रकार से जैसे कहा जाता है हैंड रिटन नोट्स देते हैं। तो देखिए आप यहां पर इन नोट्स को देख सकते हैं, यहां पर इसी प्रकार प्रत्येक टीचर आपको यहां पर हैंड रिटन नोट्स देता है। जैसे यहां पर मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जो मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाए हैं, यही सभी नोट्स आप लोगों को इसी प्रकार हैंड रिटन दिए जाते हैं कि आपको जितने भी प्रश्न हैं यहां से इस प्रकार से मिल सके। तो मेहनत करती है हमारी टीम, पूरी टीम लगातार मेहनत करती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रश्नों को YouTube पे ही पूछना चाहते हैं, जैसे सर फीस कितनी है, क्या कैसे है। देखिए मैं निस्वार्थ मन से आपको पढ़ा रहा हूं, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। आपको WhatsApp नंबर इसीलिए दिया गया है कि उस पर आप एंट्री लेखपाल लिखकर भेजेंगे तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इतने सारे नंबर चल रहे हैं तो यूट्यूब पर पूछने की जरूरत नहीं है, इन नंबर्स पर फोन करके आप स्पष्ट कर सकते हैं आपको जो भी डाउट हो। संस्था पूरी तरह पारदर्शिता बरतती है इन चीजों में। तो मैं एडमिशन प्रक्रिया आपको प्रारंभ में बता चुका हूं, बाकी मैं अनवरत रूप से इसी प्रकार आपके सामने आता रहूंगा और धीरे धीरे सभी अध्यापक आपके सामने आएंगे और कौन आपको क्या पढ़ाएगा वो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। किसी भी संस्थान और अध्यापक की सबसे मजबूत चीज ये होती है कि आपको जो लेक्चर कैसा लगा उसके लिए आप एक नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करिए। आइए प्रश्न उत्तर को पहले हम लोग हल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाकी बात करेंगे। तो आज की पढ़ाई से जितने भी प्रश्नोत्तर हमारे यहां पर बन रहे हैं उनको हम लोग यहां पर तुरंत क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में अपने नाम से करते चलिए और मैं समझ जाऊंगा कि आपने उत्तर किया है, आपका उत्तर सही है कि गलत है। पहला प्रश्न है यहां पर, बताइए आज हम लोगों ने डिस्कस किया राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत निम्न में से कौन से विभाग शामिल नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया है कितने विभाग शामिल है, बताइए 5 विभाग शामिल है। मैंने आपको अभी बताया ना कितने विभाग शामिल है, तो आप कहेंगे 5 विभाग शामिल है। तो बताइए याद हो गया होगा कौन सा विभाग शामिल नहीं है, चकबंदी आयुक्त शामिल है, राहत आयुक्त शामिल है, संपादक जिला गजेटियर शामिल है, महालेखाकार संभाग शामिल नहीं है। क्लियर है, तो पहले का ऑप्शन क्या होगा, डी। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में यहां से मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी से उत्तर करिए। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई, 1831 में, और 1948 में इसका कार्यों के हिसाब से दो भागों में विभाजन कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया जिसका मुख्यालय लखनऊ है, और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया जिसका क्षेत्र क्या है, इलाहाबाद है। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। क्लियर है, आइए तीसरा प्रश्न है आपका, ग्राम संरचना की सोपानिक इकाई के क्रम में निम्न में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। मैंने देखिए अभी आपको बताया कि जन मिलता है, विश मिलता है, ग्राम मिलता है, और ग्राम 13 बार उल्लेख मिलता है लेकिन राज्य और राष्ट्र का उल्लेख नहीं मिलता। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बताइए सी होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग प्रत्येक दिन अपने प्रश्नों को तैयार करते चलें तो आपको अलग से पढ़ने की घर में जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी 10-10 प्रश्न प्रत्येक क्लास के बाद आपको तैयार कराता चलूंगा। अगर मैंने 30 क्लास ली तो इन्हीं 300 प्रश्नों में से पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, और इन्हीं 300 प्रश्नों में से मैं वादा करता हूं कि आपको परीक्षा में भी प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहां पर चौथा प्रश्न है आपका, हाँ, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है, मेघालय में स्थित है। अभी हाल आपको बताया, क्या नाम है बताइए, मेलेनोंग है ना, मेलेनोंग आदर्श गांव है, बहुत अच्छा गांव है, बहुत क्लीन स्टेबली है। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, प्रयागराज, और अब इलाहाबाद था प्राचीन और अब क्या हो गया, प्रयागराज। आसान प्रश्न है, छठवां प्रश्न हल कर लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा आप में से सभी लोग लिखेंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है, सही है। दूसरा, उच्च न्यायालय राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है, गलत है। मैंने अभी आपको समझाया था कि राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है और राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय की ही तरह बाध्यकारी होते हैं सभी राजस्व न्यायालयों पर जो प्रदेश में आपके मौजूद है। तो यहां पर उच्च न्यायालय नहीं हो सकता बल्कि यहां पे क्या होगा, राजस्व परिषद होगा। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, यह भी सही है आपका। राजस्व परिषद के न्यायिक कार्य में अपीलीय, पुनर्वलोकन तथा निगरानी आती है, यह भी सही है। ये सभी आज हम लोगों ने पढ़ा है।
सातवां प्रश्न है, भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया लगभग 6 लाख से अधिक गांव भारत में है, तो कुल गांवों की संख्या 6 लाख से अधिक है। ये तीनों ही आपके क्या है, गलत है। ये आठवां प्रश्न है आपका, ग्रामीण संरचना के विभाजन को पी हेराल्ड महोदय ने जिन भागों में बांटा है उनमें शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया कि पी हेराल्ड महोदय जो है इनके विभाजन को सबसे अच्छा माना जाता है और सरकारी योजनाओं को इसी विभाजन के आधार पर तैयार किया जाता है। तो देखिए, संक्रमणशील ग्राम इन्होंने माना है कि विशेषता है, अर्धस्थायी ग्राम जबकि मैंने आपको बताया कि यह एक ही गांव के दो नाम है, तीसरा स्थायी ग्राम यह भी सही है, मॉडल विकसित ग्राम ये कहीं भी इनके जो है उसमें शामिल नहीं है, इनके वर्गीकरण में मॉडल विकसित ग्राम हमारा शामिल नहीं है, तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा बताइए, डी हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, समावेशन का अर्थ है, चलिए बताइए, आज मैंने संघात्मक ढांचा और समावेशन दोनों समझाया है आपको, आरक्षित वर्ग की सुविधा आरक्षण की कोई बात ही नहीं है, जाति विषमता इसकी भी बात ही नहीं है, नगदी संचरण इसी ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बिल्कुल सही है। यदि हम जिसके साथ समावेशन लगा रहे हैं चाहे वो साधन हो चाहे संसाधन हो उसकी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होना ही समावेशन है। आइए अगला प्रश्न है आपका, दसवां प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अभी मैंने आपको बताया गुजरात में है और उस गांव का नाम क्या है, अकोदरा, है ना। यहां पर लगभग 1200 जनसंख्या है, सभी लोगों के पास अपने बैंक खाते हैं 1200 लोगों के पास, और सभी डिजिटल पेमेंट करते हैं, पूरी तरह से स्मार्ट और डिजिटल रूप से विकसित ये गांव है। तो यह आज का सेशन था, इसी तरह जबरदस्त सेशन में मैं प्रतिदिन आपको मिलूंगा, है ना। नीचे जिनको भी हमारे संस्थान में प्रवेश लेना है, नीचे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, सभी अध्यापक क्रम से ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लॉकडाउन में रहिए, जल्दी से अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करिए और इसी तरह मन लगा के क्लास देखा करिए, क्लास को शेयर जरूर करिएगा ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे, और इसी तरह अगर आप लाइव और कमेंट करके हमारा वो जो है विश्वास बढ़ाते रहे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, तो मैं और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और नए नए मेटल लाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।